हेलो दोस्तों, मैं हंसराज कुमावत एक्सपर्ट नर्सिंग क्लासेज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, सभी नर्सिंग कैंडिडेट्स के लिए मैं आज खुशखबरी लेकर आ गया हूं, और स्पेशली जो CHO की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या फिर जो CHO बनना चाहते हैं यानी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर जो बनना चाहते हैं, उन सभी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर खुशखबरी है। और खुशखबरी की जो अपन बात करने जा रहे हैं फ्रेंड्स, वो खुशखबरी ये है, जैसा कि मैं आपको बता दूँ कि जैसे कि पहले CHO यानी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बनने के लिए आपको एक एग्ज़ाम होता था। एग्ज़ाम होने के बाद में आपको 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स करवाया जाता था। उसके बाद में आपको एग्ज़ाम होने के बाद आपको क्या किया जाता था, CHO की पोस्ट पे पोस्टेड किया जाता था। अभी उसको क्या किया, चेंजेस कर दिया गया है, और उस चेंजेस में क्या है इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है फ्रेंड्स कि अभी जो RUHS ने रिसेंटली एक नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है, और उस नोटिफिकेशन के अंदर बताया है कि BSc नर्सिंग और जो पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग के कैंडिडेट्स हैं उनके कैरिकुलम के अंदर जो मिडिल लेवल हेल्थ प्रोवाइडर का है उसको ऐड कर दिया गया है, उसका इंटीग्रेशन कर दिया गया है। उससे क्या होगा कि आपको 6 महीने का जो सर्टिफिकेट कोर्स है उसको करने की आवश्यकता नहीं होगी, आप सीधा एग्ज़ाम देंगे और सीधा CHO की पोस्ट पर पोस्टेड कर दिए जाएंगे। इसके अंदर नोटिफिकेशन ऐसा दिया हुआ है, तो अपन इसके अंदर बात करने वाले हैं पूरी डिटेल से। तो यहाँ पे आप देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये RUHS का नोटिफिकेशन है, 9/12/2020 को ये रिलीज़ हुआ है। इसके अंदर बताया गया है कि जो इंटीग्रेशन ऑफ मिडिल लेवल हेल्थ प्रोवाइडर MLHB इन BSc नर्सिंग एंड पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग फाइनल ईयर कोर्स कैरिकुलम। तो मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि फ्रेंड्स, जो मिडिल लेवल हेल्थ प्रोवाइडर है ये इसको इंटीग्रेशन इसके अंदर शामिल कर दिया गया है, जो BSc नर्सिंग और जो पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग के कैरिकुलम के अंदर फाइनल ईयर के अंदर। तो उससे क्या होगा कि आपको अलग से सर्टिफिकेट कोर्स करने की आवश्यकता नहीं होगी, अब सीधा आप जो है एग्ज़ाम भी दे पाएंगे। जैसा कि पहले आप जब भी नोटिफिकेशन देखे होंगे, अभी MP का भी आया था, उसके अंदर बताया था कि जिनके पास BPCCIN का सर्टिफिकेट है वो ही कैंडिडेट्स फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी रिसेंटली हरियाणा CHO के अंदर जो लगभग 600 के करीब जो पोस्ट निकली उसके अंदर भी यही चीज़ थी कि जिनके पास जो ये मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर यानी MLHP का सर्टिफिकेट या फिर BPCCIN का सर्टिफिकेट वो कैंडिडेट्स को हमको अप्लाई कर सकते हैं। उसके अंदर ये भी दिया गया था कि जो फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं और जिनके अंदर मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर का जो सर्टिफिकेट है वो एड है, वो कैंडिडेट्स फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं CHO के लिए। अभी रिसेंटली जो हरियाणा CHO की जो वैकेंसी निकली हुई है 600+ पोस्ट के लिए, उसके अंदर ऐसा बताया गया है। तो उसके अंदर क्या इंक्लूड कर दिया गया है, यानी स्पेशली ये राजस्थान के लिए, और राजस्थान की बात नहीं करूँगा मैं यहाँ पर, यहाँ पर ऑल इंडिया लेवल की यहाँ पर बात करने वाला हूँ। क्योंकि ऑल इंडिया के जैसे INC जो होती है, INC कोई भी नोटिफिकेशन INC से रिलीज होने के बाद में सभी स्टेट्स के अंदर लागू होता है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे राजस्थान की, उसके बाद में जो INC के जो सर्टिफिकेट जो सॉरी INC का जो नोटिफिकेशन आया उसके अंदर क्या लिखा हुआ है वो भी इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल मिस ना करना। तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि MLHP को क्या किया गया, इंटीग्रेशन कर दिया गया है BSc नर्सिंग और पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग के अंदर। और उन्होंने जो रेफरेंस दिया है वो ये दिया है कि इसका जो नोटिफिकेशन नंबर है INC डेटेड 29 मई 2019, यानी INC ने एक नोटिफिकेशन रिलीज़ किया था 29 मई 2019 को, उस नोटिफिकेशन में जो बताया गया था उसी को उन्होंने फॉलो किया है। वो नोटिफिकेशन मैं आपको वीडियो के अंदर दिखाऊंगा। तो सबसे पहले इस नोटिफिकेशन के अंदर क्या लिखा हुआ ये अपन बात कर लेते हैं। इट इज़ टू नोटिफाई टू ऑल कंसर्न दैट न्यू कैरिकुलम इंक्लूडिंग द मिडिल लेवल हेल्थ प्रोवाइडर फॉर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सब्जेक्ट ऑफ BSc नर्सिंग फाइनल ईयर एंड पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग फाइनल ईयर इज अप्रूव्ड बाई अकेडमिक काउंसिल ऑन 9/12/2020 एंड इट विल बी अप्लीकेबल फ्रॉम 2019 एंड 2020 एंड आल्सो टू स्टूडेंट्स स्टडिंग इन दी फाइनल ईयर इन 2019 एंड 2020 इन BSc नर्सिंग एंड पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग प्रोग्राम्स। इट इज़ अप्रूव्ड बाई द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ फ्रेंड्स, जो जो कैंडिडेट्स 2019 और 2020 जिनका फाइनल ईयर था 2019 और 2020 के बीच में, वो कैंडिडेट्स अब उनको सर्टिफिकेट कोर्स करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, उनके अंदर ये MLHP को ऐड कर दिया गया है, उनके लिए अप्लीकेबल होगा। तो वो कैंडिडेट्स अपने जो भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ पे जाकर ये बनवा सकते हैं, और बनवा के अपना जो फॉर्म निकला हुआ उसके अंदर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ फाइनल ईयर इन 2019 एंड 2020, और ये जो है फ्रेंड्स अप्लीकेबल कब से, फ्रॉम 2019 से 2020 के लिए, 2019 से अप्लीकेबल है और ये आगे भी अप्लीकेबल रहेगा, क्योंकि इसके अंदर क्या कर दिया गया, इंटीग्रेशन कर दिया, इसको जोड़ दिया गया फाइनल ईयर के कैरिकुलम के अंदर। अब दूसरी बात कि अब जो GNM कैंडिडेट्स है वो मुझसे पूछेंगे कि सर हमारा क्या होगा उसके अंदर, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ फ्रेंड्स, ये RUHS का नोटिफिकेशन है, RUHS अलग है और RNC अलग है।
आरयूएचएस अलग अपना बीएससी नर्सिंग और पोस्ट स्पेसिफिक बीएससी नर्सिंग के लिए निकालती है जो, और जो आरएनसी है वो जीएनएम के लिए निकालती है। तो आरएनसी ने अभी तक कुछ ऐसा नोटिफिकेशन नहीं निकाला है, तो जैसे ही वो नोटिफिकेशन निकलेगा तो मैं आपको जीएनएम कैंडिडेट्स को भी इन्फॉर्म कर दूंगा इसके रिगार्डिंग। तो अब हम अपन बात कर लेते हैं कि जो आईएनसी का जो नोटिफिकेशन आया था ऑल इंडिया के लिए, उस नोटिफिकेशन जो 29 मई 2019 को आया था, उस नोटिफिकेशन अंदर क्या लिखा हुआ था वो भी अपन यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो चलिए अपन देखते हैं इसको, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये है जो आईएनसी का नोटिफिकेशन जो रिलीज़ किया था 29 मई 2019 को, जैसा कि मैंने अभी बताया था। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसके अंदर यही चीज़ बताई गई थी कि इंटीग्रेशन ऑफ मिडिल लेवल हेल्थ प्रोवाइडर इन बेसिक बीएससी नर्सिंग एंड पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कैरिकुलम, और ये यहाँ पे बताया गया कि इन कंटिन्यूशन ऑफ नोटिफिकेशन नंबर, ये नोटिफिकेशन नंबर दिया गया 12 फरवरी 2019, द टोटल नंबर्स ऑफ आवर्स टू इनकॉर्पोरेट एग्जिस्टिंग कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सब्जेक्ट इज अराउंड 75 आवर्स थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, इट विल बी फेसिबल टू अकोमोडेट इन दी 195 आवर्स ऑलरेडी एलोकेटेड इन द बी एस सी नर्सिंग सिलेबस एंड इंटर्नशिप पीरियड एंड पोस्ट बेसिक बी एस सी नर्सिंग इन सी एच एन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। तो इन्होंने जो है इंटीग्रेशन की बात कब कही थी फ्रेंड्स, 29 मई 2019 को ये बात कह दी थी, इसलिए जो है आर यू एच एस ने अभी लागू किया है। उन्होंने ये बता दिया है कि 2019 और 2020 में जो जो स्टूडेंट्स थे नर्सिंग, जिन जो फाइनल ईयर में थे, उनको सीसी जो एमएलएचपी जो है यानी मिडिल लेवल हेल्थ प्रोवाइडर का जो इंटीग्रेशन कर दिया गया वो अपना बनवा सकते हैं और अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ये चीज़ इसके अंदर बता दी गई है। और ये जो इसके अंदर बताया गया कि जो सिलेबस के अंदर जो ऐड कर दिया गया, ये रोल्स एंड रेस्पॉन्ड ऑफ मिड लेवल हेल्थ केयर प्रोवाइडर, तो ये जो फ्रेंड्स मिड लेवल हेल्थ एमएलएचपी जो है वो आपके जो सीएचओ के बनने के लिए ही ट्रेनिंग की जाती थी, जो पहले आपको 6 महीने बाद फॉर्म अप्लाई करने के बाद जो सर्टिफिकेट कोर्स करवाया जाता है उसी को आपकी कैरिकुलम के अंदर ही ऐड कर दिया गया है। तो वो कैंडिडेट्स अब डायरेक्टली अपना फॉर्म भर सकते हैं और सीएचओ उनको बनने का एक सुनहरा मौका यहाँ पे मिल गया है। तो सभी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे खुशखबरी थी जो मैंने आपको बता दी है। अब दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हरियाणा सीएचओ के भी हाल ही में जो वैकेंसी निकली हुई है 671 पोस्ट के लिए, उसके अंदर मांगा गया था कि बीपी सिटीजन सर्टिफिकेट कोर्स जिनके कैंडिडेट्स के पास हैं और जिनके पास जिनके फाइनल ईयर के अंदर ये सर्टिफिकेट कोर्स जुड़ा हुआ है वो कैंडिडेट्स फॉर्म को अप्लाई कर सकते थे। तो ऐसा इसके अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर लिखा हुआ था, जैसा कि आपको मैं यहाँ पे दिखा के बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए कि जो जिनके पास बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग है और जिनके पास सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ फॉर नर्सेज एंड बीपीसीएचएन या फिर मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर्स जो कोर्स है वो यदि है सर्टिफिकेट कोर्स तो वो कैंडिडेट्स फॉर्म को अप्लाई कर सकते थे। तो इसके अंदर जो है एक चीज़ और बताई गई थी कि जिनके कैरिकुलम के अंदर जो बीएससी नर्सिंग और जो पोस्ट बीएससी नर्सिंग के जो फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं जिनके कैरिकुलम के अंदर बीपीसीएचएन या फिर मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर का जो सर्टिफिकेट कोर्स है वो एड किया हुआ है वो कैंडिडेट्स फॉर्म को अप्लाई कर सकते थे। तो ये जो अभी आर यू एच एस ने अभी रिसेंटली क्या कर दिया गया है, ऐड किया है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया वीडियो के अंदर। तो अब आप जो है इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और आपका जो भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ से आप इस सर्टिफिकेट कोर्स को बनवा लें और जो वहाँ भी आपको अपलोड करने के लिए बोला गया है वहाँ पे अब आप अपलोड कर पाएंगे। तो ये बड़ी खुशखबरी थी जो मेरे को आपको बतानी थी, मैंने आपको यहाँ पर डिटेल से बता दिया है। और आपका हरियाणा सीएचओ का जो फॉर्म है 31 दिसंबर 2020 से ऑनलाइन स्टार्ट होगा और 31 जनवरी 2021 तक इसकी लास्ट डेट रहेगी फॉर्म अप्लाई करने की। उसके बाद में 15 से 17 फरवरी तक आप इसका जो है रिटर्न एग्ज़ाम होगा और 23 से 26 फरवरी 2021 में इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की और काउंसलिंग की बात कही गई है। तो आपको वीडियो यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और यदि आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और घंटी के निशान को ऑल पर जरूर प्रेस कर ले और हरियाणा सीएचओ का फॉर्म आप जरूर अप्लाई करें। 671 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली हुई है और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि अब जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आएगी। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो आपको पसंद आए वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और यदि आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को ऑल पर जरूर प्रेस कर ले ताकि चैनल पर आने वाली सीएचओ वैकेंसी के रिगार्डिंग आपको यूँ ही अपडेट मिलते रहे। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।